नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। जैसे एक केमिकल रिएक्शन है, स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल बी कैपिटल बी, स्मॉल सी कैपिटल सी, स्मॉल डी कैपिटल डी, ये रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट धीरे धीरे कंज्यूम होके प्रोडक्ट बना रहा है, सी एंड डी प्रोडक्ट है। तो रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट क्या है यहाँ, ए और बी, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर देयर मोल कोफिशियंट स्मॉल ए स्मॉल बी। रेट का मतलब होता है कि टाइम के साथ कौन रिएक्टेंट टाइम के साथ कितनी जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये रेट है। तो रिएक्टेंट जब आपस में टकराएंगे, इफेक्टिवली कोलाइड करेंगे, तब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। और जब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी, तब इनके कोलिजन की प्रोबेबिलिटी आपस में ज़्यादा होगी, तो प्रोडक्ट बनाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो रेट तब ज़्यादा होगा जब ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी या इनके मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे। तो रेट इज इक्वल टू के ए की पावर स्मॉल ए एंड बी की पावर स्मॉल बी। अब ये कहलाया रेट लॉ एक्सप्रेशन, दिस इज कॉल्ड रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन ये बोलता है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर देयर मोल कोफिशियंट। अब स्मॉल ए स्मॉल बी, इन दोनों का जो सम है दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन हो जाएगी, द सम ऑफ मोल कोफिशियंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब मॉलिकुलरिटी क्या है, जैसे हम एक रिएक्शन ले, एन टू प्लस थ्राइस एच टू गिव्स ट्वाइस एन एच थ्री। तो इस रिएक्शन के लिए मॉलिकुलरिटी होगी, इसका मॉलिक्यूल हो गया वन और इसके मॉलिक्यूल हो गए थ्री, तो इसकी मॉलिकुलरिटी हो जाएगी थ्री। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कोलाइडिंग साइमल्टेनियसली टू फॉर्म प्रोडक्ट इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिकुलरिटी। जैसे एच टू प्लस आई टू गिव्स ट्वाइस एच आई, तो इसका एक मॉलिक्यूल और इसका एक मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड होके टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एच आई बना रहा है, तो इसकी मॉलिकुलरिटी क्या हो जाएगी, इसकी मॉलिकुलरिटी टू हो जाएगी। तो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कोलाइडिंग साइमल्टेनियसली टू फॉर्म द प्रोडक्ट इज कॉल्ड मॉलिकुलरिटी। और द सम ऑफ मोल कोफिशियंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, दिस इज रेट लॉ एक्सप्रेशन, इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब सेकेंड पॉइंट मॉलिकुलरिटी से रिलेटेड, ये एक थ्योरेटिकल वैल्यू है, ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, और वहीं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो हो सकती है और फ्रैक्शनल भी हो सकती है, 1.5 2.5 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है, ये जीरो भी हो सकती है और फ्रैक्शनल भी हो सकती है। वहीं जो मॉलिकुलरिटी है वो जीरो नहीं हो सकती और फ्रैक्शनल भी नहीं हो सकती। तो जीरो और फ्रैक्शनल वैल्यू मॉलिकुलरिटी में देखने को नहीं मिलेगा।